पेपर के माध्यम से मजदूर अपनी बात को मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि झारखंड सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। इस वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में जिस तरह झारखंड सरकार की बयानबाजी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, उससे लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है। प्रवासी मजदूर बहुत परेशान हैं, बाहर हैं, और लगातार भारत सरकार के द्वारा रेल ट्रेन के लिए कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार परमिशन दे, जहाँ के लिए भी बोलेगी वो हम ट्रेन भेजेंगे, लेकिन हमें लगता है कि सरकार एक तो सरकार अनुमति नहीं दे रही है, दूसरा है कि सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है कि केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो ये हास्यास्पद स्थिति है, सरकार की इस तरह का बयान बिल्कुल ऐसा लगता है कि सरकार एकदम गंभीर नहीं है। और जो प्रवासी मजदूर है वो झारखंड के हैं, शायद झारखंड सरकार को इस बात का एहसास नहीं कि वो हमारे इस प्रदेश के हैं। और जिस तरह से जो परेशानी हो रही है, बार बार कहने के बावजूद भी झारखंड सरकार को जिस तत्परता के साथ भारत सरकार मदद करने के लिए जिस तरह से तैयार है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूर बाहर फंसे हैं उसको लाने के लिए हर एक राज्य से ट्रेन से उनको लाने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है ये देरी से ऐसा लगता है, अनुमति नहीं देने का मतलब ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के सरकार चाहती है कि बाहर के लोग वहीं फंसे रहें। आप लगातार देख रहे हो, सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि मुंबई में लोग फंसे हैं, और हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने भी मुख्यमंत्री से ट्वीट करके ये कहा भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ बयानबाजी के अलावे इस राज्य में